अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुर्ग हलीम बनाएंगे, जो कि मुहर्रम के महीने में बनाई जाती है। जिसके लिए हमने चिकन ली है 1 किलो की, 1 अदद मिक्स दालें हमने ली हैं 2 कप, वीट यानी कि गंदम लिया है 1 कप, चावल लिए हैं 1/2 कप। इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे पानी में सोक किया है। प्याज हमने मीडियम साइज के लिए हैं 5 अदद, इनको हमने स्लाइसेस में काट लेना है। कुकिंग ऑयल लिया है 1/2 कप या 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। लहसुन की पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून, अदरक की पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून, टमाटर की पेस्ट लेंगे 1/2 कप, हरी मिर्चों की पेस्ट लेंगे 2 टीस्पून। मसालों में हमें चाहिए नमक 2 टेस्ट, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, ये आपकी मर्जी है, जितनी भी आप मिर्च पसंद करें उतनी ही डालिए। पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे 1 टीस्पून, शान का हलीम मसाला लेंगे 1 पैकेट, दलिया लेंगे 1/2 कप, चाट मसाला लेंगे 2 टेबलस्पून या 2 टेस्ट जितना भी आप लाइक करें। गार्निश के लिए हरी मिर्चें लेंगे 2 अदद, अदरक के स्लाइसेस लेंगे कटे हुए, लेमन लेंगे और हरा धनिया। अब हमने पैन में 8 से 9 गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रख देना है। साथ ही हमने दालें डाल देनी है। दालें मिक्स ली हैं हमने 2 कप, वीट ली है हमने 1 कप, चावल लिए हैं 1/2 कप। इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे पानी में सोक किया है। बहुत मज़ेदार हलीम तैयार होती है, ये मुहर्रम के दिनों में बनाई जाती है। बहुत चटपटी जायकेदार हलीम बन जाती है। अब हमने इसमें नमक डालना है 1 टीस्पून। नमक हमने कम ही डालना है क्योंकि शान के मसाले में भी नमक होता है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, बाद में जितनी ज़रूरत होगी और भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, अगर कम खाते हैं तो 1 टीस्पून डाल लें। अब हमने इस पर ढकना लगाकर दालों को हमने गलने के लिए रख देना है। तब तक पकाना है जब तक दालें जो हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। अब हमने एक पैन को गर्म कर लेना है। इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल हमने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसमें प्याज डाल देने हैं। 5 अदद प्याज लिए हैं हमने मीडियम साइज के। आग को हमने मीडियम रखना है और प्याज को हमने हल्का गोल्डन कर लेना है। प्याज को हमने मिक्स करते रहना है ताकि अच्छी तरह से प्याज जो है ये गोल्डन हो जाए। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है, 1/4 टीस्पून के बराबर डाल दें नमक। नमक डालने से ये कि प्याज जो है एक जैसा फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाएगा। अब हम प्याज को गोल्डन करते हैं। प्याज को हमने मीडियम आग पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हमने इसमें पेपरिका पाउडर डाल देना है 1 टीस्पून। अगर पेपरिका पाउडर ना हो तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। डालकर 1 मिनट के लिए हमने बस पकाना है। एक मिनट तक हम प्याज में पेपरिका पाउडर पकाएंगे। पेपरिका पाउडर डालकर 1 मिनट तक हमने पका लिया है। अब हमने एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछाकर इसके अंदर हमने थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है। प्याज को हमने फैला देना है, बस गार्निश के लिए निकालेंगे थोड़ी सी प्याज।
अब हमने इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून, साथ ही हमने चिकन डाल देनी है। चिकन डालकर मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें हरी मिर्च की पेस्ट डाल देनी है 2 टीस्पून। 2 अदद हरी मिर्चें लेकर इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसको ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें। इसमें हमने गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून। ये हमने शान का मसाला डालना है 1 पैकेट। डालकर मिक्स कर देंगे, साथ ही हमने टमाटर की पेस्ट डाल देनी है 1/2 कप, या थोड़ी सी ज्यादा डाल लें। अब हमने चिकन को भून लेना है जब तक टमाटर की पेस्ट जो है ये ड्राई हो जाए। अब हम चिकन को भून लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब टमाटर की सॉस जो है ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। अच्छी तरह से चिकन को भून लिया है हमने। 15 से 20 मिनट तक हल्की आग पर भूना है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है। 2 कप हमने इसमें गर्म पानी डाल देना है, उबला हुआ पानी। पानी डालकर मिक्स कर देंगे और मीडियम आग पर अब हमने चिकन को गलने देना है। इस पर हमने ढकना लगा देना है 40 से 50 मिनट तक, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए, बिल्कुल नरम चिकन हो जाए। दालों को हमने तकरीबन 2 घंटे तक पकाया है हल्की आग पर। दालें अब बिल्कुल गल चुकी हैं। अब हमने इसमें दलिया डाल देना है। दलिया डालने से ये कि इसके अंदर लेस बनेगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है हलीम के अंदर। दलिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने दलिया डालकर हल्की आग पर इसको और पकाना है। अब हमने दोबारा से इस पे ढकना लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि दलिया अच्छी तरह से गल जाए। दलिया डालकर 15 मिनट तक हमने हलीम को और पका लिया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चमचा हिलाते रहें, क्योंकि अब ये नीचे भी लग सकती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। दालें तो वैसे गल चुकी हैं, अब ये आपकी मर्जी। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर या चॉपर में डालकर थोड़ा इसको घोट लें। अब हमने इसको एक हैंड ब्लेंडर से हमने थोड़ा थोड़ा इसको घोट लेना है। थोड़ा सा दालों को हमने स्मूथ करना है। ये आप देख लें, ये आपकी मर्जी है, पूरी स्मूथ कर लें। इस तरह से होनी चाहिए बस। अब हमने इसको और ब्लेंड नहीं करना। दाल हमारी अब रेडी है। अब हमने दाल वाला चूल्हा जो है ये बंद कर देना है।
चिकन को हमने 1 घंटा 50 मिनट तक पकाया है। चिकन अब बिल्कुल नरम हो चुकी है, गल चुकी है। अब हमने इसको एक चमचे की मदद से सारे रेशे कर लेने हैं चिकन के। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है चिकन, इस तरह से हमने चमचे से चमचा मार मार कर इसको हमने रेशे कर लेने हैं। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें अभी होना चाहिए क्योंकि हमने दालें जो हैं अब इसके अंदर मिक्स करनी है। सारे रेशे करके हड्डियों को हमने निकाल देना है। इस तरह से हमने चमचे को मारते जाना है, जो भी हड्डियां अलहदा हो जाएं उनको हमने निकाल देना है। सारी चिकन के रेशे हमने कर लिए हैं, बहुत आराम के साथ हड्डियां जो हैं ये अलहदा हो रही हैं। सारी हड्डियों को हमने निकाल दिया है। बिल्कुल रेशे हो चुके हैं चिकन के। अब हमने इसमें दाल डालनी है। अब हमने सारी दाल चिकन के अंदर डाल देनी है, साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है और दाल डालते जाना है। थोड़ी थोड़ी दाल डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। को हमने हल्का कर देना है। सारी दाल हमने डाल दी है हलीम में। अब हमने मिक्स करते रहना है और 5 से 10 मिनट तक हमने पका लेना है। जब आपको लगे कि पूरी थिक हो गई है तब तक पका लें, 5 से 10 मिनट, बहुत ज्यादा पकाने की अब जरूरत नहीं है। अब आप इसमें नमक भी टेस्ट कर लें और मिर्च भी। बहुत जायकेदार हलीम तैयार है। थिकनेस भी देख लें और जायके में भी बेहतरीन है। अभी हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। अभी हम हलीम को 5 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हलीम को हमने 7-8 मिनट तक और पका लिया है, अच्छी तरह से हमने घोट लिया है। अब देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है, बेहतरीन जायका है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। अब हलीम हमारी रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छी तरह से हलीम को घोट कर हमने चूल्हे को बंद कर देना है। हलीम को एक बॉल में डाल दिया है। अब हमने इसको गार्निश करना है। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा और ब्राउन प्याज डाल देंगे जो कि हमने निकाला था ब्राउन करके। थोड़ा थोड़ा डाल दें सारी साइडों पर। फिर हमने थोड़ी थोड़ी हरी मिर्चें डाल देनी है। थोड़ा सा हमने लेमन निचोड़ देना है इसके ऊपर, जितना भी आप लाइक करें। ऊपर हमने चाट मसाला डाल देना है।
बेहतरीन जायका है हलीम का। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।